रामनवमी के बाद अब कांवड़ यात्रा पर भी कोरोना का असर देखने को मिला है। अयोध्या के संतों ने शिव भक्तों से अपील की है, घर पर करें शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना। रामनवमी और नवरात्र की तरह ही प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना का खतरा अभी बरकरार है, लोग सुरक्षित रहे, यही सच्ची शिव भक्ति है। तो अब संत जो है वो अपील कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा जो यात्री जो है इस साल सोच रहे होंगे कि वो कांवड़ यात्रा में जा पाएंगे या नहीं, उनसे इस तरह की अपील संतों द्वारा की गई है। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, कह सकते हैं कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, लेकिन देखिए हमारे संत भी इसमें मिलजुल कर न सिर्फ प्रशासन का सहयोग करने की बात कह रहे हैं, लोगों को सही मार्ग दिखाने का काम भी कर रहे हैं कि आप घर में रहें, शिव का जलाभिषेक घर में करें, आप घर में भी पूजा करेंगे तो शिव आपकी सुनेंगे। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है महामारी को लेकर कहीं ना कहीं जो धर्म और आस्था पर गहरा प्रभाव देखने को मिला, ऐसे में संत भी मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं इस महामारी का प्रकोप रहा है, लेकिन आगे भी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संतों ने एक बड़ा कदम फिर उठा लिया है। जल्द ही जो है जो लगभग कांवड़ यात्रा जो शुरू होना है, कांवड़ यात्रा को लेकर संतों ने मांग की है। संत लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग अब कांवड़िया इसमें अपने घरों में ही रहकर अपने शिव भक्ति करें, शिव की आराधना करें, क्योंकि कांवड़ यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर एक साथ जल भर के मंदिरों में दर्शन पूजन जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। ऐसे में अब संत भी इस यात्रा को लेकर जो है काफी गंभीर है, ऐसे में प्रशासन का पूरी सहयोग करने की बात संत प्रशासन लगातार कर रही है। सरकार के लिए कह सकते हैं असमंजस की जो स्थिति है उसे कहीं ना कहीं एक दिशा मिलेगी अगर संत खुद सामने आकर लोगों से अपील कर रहे हैं और प्रशासन के सहयोग की बात कर रहे हैं। तो अभी तक डिसीजन नहीं लिया जा चुका है कि क्योंकि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले थे कि आखिर कांवड़ यात्रा पर सरकार क्या फैसला ले। अब जल्द ही कोई डिसीजन पर पहुंच पाएंगे क्योंकि अब संत खुद अपील कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से अब संत जो है महामारी से लड़ने के लिए जो है पूरी तरह जो कमान संभाल रखा, तो ऐसे में प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सभी को बल मिलेगा कि जो भीड़ होने की जो संभावना है, भीड़ के कारण कोरोना महामारी फैलने की जो संभावना है, प्रशासन को काफी सहयोग इससे मिलेगा कि लोग कोरोना से लड़ने के लिए अब संत समाज जो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहा है। तो ऐसे में अब कांवड़िया यात्रा को देखना होगा किस प्रकार से अब सरकार लगभग क्या निर्णय लेता है, लेकिन अभी संतों की जो मांग रही है, संत इसको लेकर एक आंदोलन की तरह इसको रूप लेंगे, कहीं ना कहीं अभियान की तरह लोगों से अपील करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस साल की कांवड़ यात्रा पूर्ण रूप से स्थगित कर दीजिए, क्योंकि इस कोरोना महामारी को देखते हुए हमें अपने देश का और अपने घर के अगल बगल का, अपने घर के बच्चों का, सबका ख्याल रखना चाहिए।